हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक कैपेसिटर के अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं देन हाउ डज इट बिहेव। यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर लेती हूँ और मैंने उसे एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया है विच इज सप्लाइंग एन ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है सी और इस केस में मैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कंसिडर करूंगी। प्योरली कैपेसिटिव का क्या मतलब है? इट मीन्स सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस और नहीं है। इट इज अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एंड इट हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। अभी तक हमने पढ़ा था कि जब हम एक कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये एक तरह से सर्किट में ब्रेकेज की तरह एक्ट करता है। ये बैटरी धीरे धीरे इस कैपेसिटर को चार्ज करती है। इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होता है और जब ये बैटरी कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है तो जितनी इस बैटरी का पोटेंशियल है उतना ही इसके क्रॉस ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है एंड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट नो नेट करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। उस टाइम पे सर्किट में करंट कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। So in a DC circuit, as charge accumulates on the plates of capacitor, the voltage generated opposes the flow of current and when capacitor gets fully charged, current becomes zero. But AC के केस में ऐसा नहीं है। AC के केस में हमारी जो applied EMF है वो alternating होती है, similarly applied current भी, जो current flow कर रहा है circuit में वो भी alternating होता है। तो capacitor एक हाफ साइकिल में अगर चार्ज होता है तो दूसरी हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होता है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, इसलिए सर्किट में करंट फ्लो करता रहता है। तो अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट अस सपोज वो है ई, देन ई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, वेयर चार्ज इज द चार्ज, क्यू इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस और सी हमारी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। नाउ जितनी ईएमएफ ये हमारा जो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है उतना ही तो ड्रॉप होगा कैपेसिटर के अक्रॉस। सो व्हाट इज द सोर्स ईएमएफ? सोर्स ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इट शुड बी इक्वल टू क्यू बाय सी। तो यहां पर हम देख सकते हैं दैट क्यू इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें यह पता चल गया है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो हम आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें करंट निकालना है तो इसके लिए हमें चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना होगा, बिकॉज आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। सो इट्स इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे हम तो इट बिकम्स कॉस ओमेगा टी और उसमें से ओमेगा बाहर निकल आएगा। सो विल गेट दिस। नाउ इसे हमें साइन की टर्म्स में ही लिखना है। वी नो वन आइडेंटिटी देन दैट साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय टू इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा को यहाँ पर मैं ओमेगा टी रखती हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा दैट आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू यूजिंग दिस आइडेंटिटी। नाउ आई कैन ऑल्सो राइट इट एज आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय वन अपॉन ओमेगा सी इन टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। This is the current in the circuit when the potential difference, जब हमारे circuit में potential है जो हमने लगाया है, that is E is equal to E naught sin omega t। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को compare करते हैं, this is the equation for current through the circuit which is also sinusoidal waveform। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो I naught है, I naught is equal to E naught upon 1 upon omega c। लेकिन क्या हम लिख सकते हैं आई नॉट? अगर हमारा रेजिस्टेंस होता सर्किट में तो हम लिखते हैं ई नॉट अपॉन आर। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस का रोल कौन प्ले कर रहा है? वन अपॉन ओमेगा सी, और इसको हम बोलते हैं
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं एक्स सी से। एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि हमारा एक्स सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। अगर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे करंट की, तो हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जो एक तरह की रेजिस्टेंस कैपेसिटर ऑफर कर रहा है टू एसी करंट, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। वाइल हमारे इंडक्टर के केस में क्या था, इंडक्टर के केस में एक्सएल वॉज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एल। इट मीन्स कि इंडक्टर के केस में हमारा ओमेगा के साथ एक्स एल स्ट्रेट बढ़ता है। जितना हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी, वाइल कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल डिक्रीज। नाउ कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट भी होती है ओम, जस्ट लाइक इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर हम एक डीसी करंट की बात करें, तो डीसी करंट में हमारा ओमेगा होता है जीरो। इट मीन्स अगर मैं ओमेगा को यहां पर जीरो रखती हूं, तो मेरी एक्सी की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। इसका मतलब एक कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सो वी कैन से कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक करता है। इट एक्ट्स एज इफ देयर इज अ ब्रेक इन द सर्किट, वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देता। एक और भी चीज आप नोटिस कर सकते हैं, दिस पाई बाई टू, यहां पर एक पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू का मैंने आर्ग्यूमेंट लिखा है। जिस टाइम पे हमारे सर्किट में E वॉज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, उस टाइम पे हमारे सर्किट में करंट वॉज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब है दैट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, और वी कैन से दैट करंट इज पाई बाई टू अहेड ऑफ वोल्टेज। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फेजर डायग्राम। हमें इन दोनों साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज को एक सिंगल फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। हाउ कैन वी डू दिस, लेट अस सपोज ये हमारा वोल्टेज वेक्टर है, जिसकी प्रोजेक्शन हम वाई एक्सिस पे कितनी लेंगे, वी। देन द करंट वेक्टर विल बी 90 डिग्री अहेड, ये उससे आगे होगा, पीछे नहीं होगा ना, आगे होगा। कितने एंगल से आगे होगा, पाई बाई टू के एंगल से आगे होगा। और इसकी प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस विल गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन द सर्किट। तो इस तरीके से मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊंगी। अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और ईएमएफ का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ सिंगल ग्राफ, तो इसमें सबसे पहले मैं ईएमएफ का ग्राफ बनाऊंगी, विच इज अ साइनोसॉइडल ग्राफ, साइन ऑफ ओमेगा टी। और फिर मैं इसमें करंट का ग्राफ इनकॉर्पोरेट करूंगी। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि पहले मेरा करंट मैक्सिमम हो रहा है, और उसकी 1/4 साइकिल बाद मेरी ईएमएफ मैक्सिमम हो रही है। इसका मतलब दैट करंट लीड्स द वोल्टेज इन केस ऑफ अ कैपेसिटर। इसका मतलब एक कैपेसिटर में से पहले करंट पास करता है, उसके बाद उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का बिल्डअप होता है। वाइल इन केस ऑफ इंडक्टर, पहले इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस का बिल्डअप होता है, उसके बाद इसमें से करंट पास होता है। सो हियर वी कैन से दैट करंट इज पाई बाई टू अहेड ऑफ वोल्टेज, दैट इज करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू अर्लियर देन वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ अ पीरियड और साइकिल। जिस तरीके से हमने इंडक्टर में निकाला था एवरेज पावर डिसिपेटेड, उसी तरीके से हम कैपेसिटर में भी एवरेज पावर डिसिपेटेड निकाल सकते हैं। अगर हम निकालना चाहें कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी पावर डिसिपेट हुई है, इट्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट इनटू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और आई विल डिनोट इट विद ई। नाउ वी नो दैट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ऑल द टाइम, और आई क्या आया था हमारे कैपेसिटर के केस में, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कितना होता है, कॉस ओमेगा टी। सो वी गेट आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ
वी गेट आई नॉट ई नॉट साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा अपॉन टू, तो मुझे मिलेगा साइन ऑफ टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू। अब मुझे एक साइकिल पे एवरेज करना है, सी डिनोट्स कैपेसिटर, मुझे एक साइकिल पे एवरेज करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स यूज करूंगी, आई नॉट ई नॉट अपॉन टू साइन ऑफ टू ओमेगा टी और इसको मैं एक साइकिल पे एवरेज कर दूंगी। नाउ दिस इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, मैं इसको बाहर लेकर आ सकती हूँ ब्रैकेट से, आई विल गेट आई नॉट ई नॉट अपॉन टू एवरेज ऑफ साइन टू ओमेगा टी। नाउ मैंने बताया था कि साइन फंक्शन जो होता है उसका एवरेज क्या होता है एक साइकिल पे, जीरो होता है। इट मीन्स द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द कैपेसिटर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो, एवरेज पावर कोई डिसिपेट ही नहीं हुई है। इसका मतलब जितनी पावर कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी ने सप्लाई की उतनी ही पावर उसको डिस्चार्ज करने में बैटरी को वापस मिल गई। इन ऑर्डर टू समराइज व्हाट वी हैव लर्न्ड, लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन। अ 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई 50 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट बोथ आरएमएस एंड पीक इन द सर्किट। उसके बाद आपको बताना है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल डबल कर देते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट का क्या होता है। तो क्वेश्चन में हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और कैपेसिटेंस दे रखी है, दैट इज 15 माइक्रोफैरेड। तो हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Xc इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो पहले हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, विल गेट 1 अपॉन 2 पाई न्यू टाइम सी, इट्स इक्वल टू 1 अपॉन 2, वैल्यूज रखते हैं 22 इंटू 7 और यहाँ पर न्यू है 50 हर्ट्स, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 15। It's microfarad, so we'll have to multiply 10 to the power minus 6 and we get the capacitive reactance as 212 ohm. This is the value of capacitive reactance. Now, RMS value of current bhi nikal sakte hain using this formula VRMS upon XE. VRMS, root mean square value of EMF, jo potential difference apply kar rahe hain, ye RMS value hoti hai. That's equal to 220 divided by 212. इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.04 एम्पियर। और अगर हमें पीक वैल्यू निकालनी है देन वी नो दैट पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू आई आर एम एस टाइम्स रूट टू एंड इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.47 एम्पियर। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच सेज इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड देन वॉट हैपन्स टू द कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करेंट। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी ही डबल कर दी तो उससे ओमेगा भी डबल हो जाएगा, इट मींस द न्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा डैश टाइम सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ओमेगा सी। नाउ ये तो पुरानी वाली कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो हमने कैलकुलेट की थी, सो दिस इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन 2। अब एक्स सी की वैल्यू कितनी है, एक्स सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 212 डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 106 ओम। न्यू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे न्यू एक्सी डैश रखेंगे विच इज इक्वल टू एक्सी अपॉन 2, सो आई कैन राइट इट एज एक्सी अपॉन 2 टाइम्स वी आर। नाउ दिस इज द प्रीवियस वैल्यू, ओल्ड वैल्यू जो है 1.04 और इसमें हम रखेंगे वी विल गेट द आंसर एज 2.08 एम्पियर। तो इसका मतलब हमारी आरएमएस वैल्यू डबल हो गई है करंट की। पीक वैल्यू निकालने के लिए हमें नई आरएमएस वैल्यू रखनी पड़ेगी विच हैज डबल्ड और आई आर एम एस रूट टू की वैल्यू हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 1.47 एम्पियर। सो द न्यू पीक वैल्यू ऑफ करंट विल ऑल्सो बी डबल्ड विच इज इक्वल टू 2.94 एम्पियर। सो नाउ आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।